हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम राधा अष्टमी व्रत से जुड़े कुछ सवाल लेंगे जो भक्तों के मन में है। एक सवाल मेरे पास आया है कि राधा अष्टमी व्रत कितने समय तक का किया जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि दोपहर 12 बजे के बाद व्रत खोल लेते हैं, दोपहर 12 बजे हम राधा अष्टमी व्रत की पूजा कर लेते हैं और उसके बाद व्रत को खोल लिया जाता है, आगे व्रत को नहीं रखा जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, व्रत पूरे दिन का ही रखा जाता है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हम पूरे दिन का रखते हैं, रात को फलाहारी भोजन करते हैं और अगले दिन अपने व्रत का पारण करते हैं, उसी तरह से राधा अष्टमी व्रत भी पूरे दिन का किया जाता है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उसके बाद फलाहारी भोजन एक समय कर सकते हैं और अगले दिन सुबह दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके बाद अपने व्रत का हम पारण करते हैं। पारण करने से पहले राधे कृष्णा जी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये तो बात थी कि व्रत हमें पूरे दिन करना है या आधे दिन का करना है, तो व्रत हमें पूरे दिन का करना है। अब एक सवाल है कि हमारे घर में तो राधा रानी जी का विग्रह नहीं है, हम तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो क्या हमें भी राधाष्टमी व्रत करना चाहिए, क्या हमें राधाष्टमी मनानी चाहिए? तो देखिए, जिसने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है उसे राधाष्टमी व्रत जरूर करना चाहिए। जब तक राधाष्टमी व्रत नहीं करते हैं तब तक जन्माष्टमी का व्रत पूरा नहीं माना जाता। अब अगर चित्र या विग्रह नहीं है तब आप बाजार से कोई कैलेंडर ला सकते हैं, राधा रानी जी की कोई फोटो ला सकते हैं। फोटो लाते समय एक बात का ध्यान रखें, फोटो हमेशा राधे कृष्णा जी की आपको एक साथ लानी है, जिसमें राधा कृष्णा जी एक साथ हों। ऐसा नहीं है कि आप केवल राधा रानी का चित्र या कैलेंडर लेकर आ जाएं और उसकी आप पूजा करें। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी और कृष्ण जी दोनों की पूजा एक साथ की जाती है, तो आप कोई ऐसा ही कैलेंडर या फोटो ला सकते हैं। अब सवाल आएगा कि हम अगर कैलेंडर लाएंगे, फोटो लाएंगे, तब हम पूजा कैसे करेंगे, मतलब हम अभिषेक कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हमें इस दिन पंचामृत से अभिषेक करना होता है। तो देखिए, अगर आपके पास विग्रह है तब तो आप अभिषेक कर ही सकते हैं, अगर विग्रह सेवा नहीं है तब आप जैसे आपने पंचामृत पहले तैयार कर लेना है, एक बर्तन में तैयार कर लीजिए, उसके बाद अगर आपने कैलेंडर लाया है तो उस पर छींटे लगाकर आप उनका पंचामृत अभिषेक स्नान करा सकते हैं। और अगर आप कोई चित्र या कैलेंडर नहीं भी ला पा रहे हैं तब भी आपको राधा अष्टमी व्रत करना चाहिए। राधा जी का आप अपने मन में ध्यान करें और उसके बाद आप राधा अष्टमी व्रत कर सकते हैं। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका ही राधा रानी के रूप में श्रृंगार करके उनके साथ भी आप राधा अष्टमी व्रत कर सकते हैं। एक और सवाल है कि क्या राधा अष्टमी व्रत में हम नमक का खाना खाएं या केवल मीठा खाएं? देखिए, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, आप व्रत कैसा करना चाहते हैं। कुछ लोग बिल्कुल निर्जल निराहारी व्रत भी करते हैं, कुछ लोग फलों के साथ करते हैं, लेकिन जो लोग एक समय फलाहारी भोजन जैसे कुट्टू के आटे से बना जो भोजन होता है, दही आलू वगैरह उस तरह से जो खाते हैं, तो वो नमक वाला भोजन भी कर सकते हैं। अगर आप केवल मीठे भोजन का व्रत करना चाहते हैं तो केवल मीठा भी आप फलाहारी भोजन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, भोजन आपको फलाहारी ही करना है, अन्न इस दिन नहीं खाते हैं। एक प्रश्न और है कि हम राधा अष्टमी व्रत की पूजा दोपहर के समय नहीं कर सकते। कुछ लोग लेडीज होती हैं जिनको जॉब पे जाना होता है, नौकरी पे जाना होता है, तो व्रत तो हमने कर लिया लेकिन दोपहर के समय हम घर पर अवेलेबल नहीं है, तो हम पूजा कैसे करें? तो देखिए, वैसे तो पूजा का शुभ समय दोपहर का ही माना जाता है, लेकिन अगर आप दोपहर में अवेलेबल नहीं है, किसी कारण से नहीं पूजा कर सकते हैं, तो आप सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए। दोनों समय में से आपने व्रत रखा है, आप सुबह पूजा कर लीजिए फिर शाम को आकर अपने घर दोबारा से पूजा कर लीजिए। एक प्रश्न है कि इस दिन हमें राधा रानी जी को कौन से रंग की पोशाक पहनानी चाहिए? जैसे जन्माष्टमी के दिन कहा जाता है कि कान्हा जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, तो राधा अष्टमी के दिन राधा जी को कौन से रंग के वस्त्र पहनाएं? तो देखिए, गहरा नीला जो रंग होता है वो राधा रानी का प्रिय होता है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप गहरे नीले रंग की पोशाक अपनी राधा रानी जी को इस दिन पहनाएं। इस दिन राधा रानी जी को नई पोशाक पहनाई जाती है, नई ड्रेस पहनाई जाती है, तो अगर आप ड्रेस नहीं ला रहे हैं तो आप गहरे नीले रंग की ड्रेस ला सकते हैं। अगर नहीं है तो किसी भी कलर की आप ड्रेस पहना सकते हैं, कोई बात नहीं, राधा रानी तो प्रेम देखती है। अगला प्रश्न है कि इस दिन राधा रानी जी को हमें क्या भोग लगाना चाहिए, उनका प्रिय भोग क्या होता है? तो इस दिन राधा रानी को अरबी का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है।
अरबी का भोग राधा रानी को प्रिय होता है। अरबी की आप मिठाई या अरबी की सब्जी के साथ आप अरबी की सब्जी बनाएं। एक विशेष रूप से अरबी की सब्जी इस दिन बनाई जाती है और उसका भोग राधा रानी को अर्पित किया जाता है। जब तक ये भोग राधा रानी को अर्पित ना कर दें, अरबी का भोग अर्पित ना कर दें, तब तक राधा अष्टमी व्रत अपूर्ण माना जाता है। अब एक बहुत ही विशेष बात बताती हूँ, राधा अष्टमी के दिन श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो राधा अष्टमी के दिन 100 बार राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं बिना कहे ही राधा रानी पूरी कर देती हैं। उसे तो मांगने की भी जरूरत नहीं है, राधा रानी बिना कहे ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।